दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ देवू सिंह चौहान सर मंत्री जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं पांडे जी, स्मिता मैम हैं, अन राव साहब हैं। सो दिस इज़ अ डार्क कर्म योगी, जैसे आपने बोला कि डार्क कर्मचारी का वर्ड हट गया है, तो सर उसके बारे में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने मिशन कर्मयोगी के तहत हमारे सारे कर्मचारी जो है, करीब करीब देश में रेलवे के बाद सबसे अधिक कर्मचारी हमारे विभाग के हैं, 4 लाख से भी अधिक कर्मचारी। इन 4 लाख से अधिक कर्मचारी को हमने ऑनलाइन, बाद में ऑफलाइन, दोनों ब्लेंडेड मोड में इन सारों को ट्रेनिंग देकर एक तरीके से अपने आप में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, वैसे CPMG सर्कल्स के साथियों को आज अवार्ड देने का कार्यक्रम रखा, और जिन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद जो अच्छा अनुभव किया उनके साथ हमने एक इंटरेक्शन भी किया। कुल मिला के देश में जो देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षा के हिसाब से हमारे विभाग ने टेक्नोलॉजी की मदद से, पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके जो बदलाव इस विभाग ने अपने आप में किया है, जिसके कारण देश का सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क आज भारत सरकार की सारी सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं डोरस्टेप पे दे रही है। और आपने देखा होगा कि ये सेवाएं देने में हमारे विभाग ने अपने आप को क्षमतावर्धन का काम करने के लिए हमारे विभाग की आवश्यकता के अनुसार कोशिश भी तैयार किया, और इस कोशिश तैयार करने के बाद हमारे कर्मयोगी को ट्रेनिंग दिया, और आज जो एक तरीके से जो सेटिस्फेक्शन का लेवल उनका आप देख पाए, इसके कारण हमें ये संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये एक समय का जो डाक और मेल का काम करने वाला ये नेटवर्क जनता की अपेक्षा के हिसाब से अभी हर, क्योंकि बैंक हर जगह नहीं जाता है, कॉमर्शियलाइज नहीं होता है उनका जो टेक्नो कॉमर्शियल एक तरीके से नहीं होता, तो वो कहीं बैंक नहीं पहुँचता है, लेकिन हर झुग्गी झोपड़ी तक हमारा डाक सेवा के जो कर्मचारी कर्मयोगी है वो बैंकिंग सेवा भी दे रहा है, इंश्योरेंस सेवा भी दे रहा है, और कोविड जैसे चैलेंजेस में तो एकमात्र वही हमारे पास नेटवर्क था जिसके जरिए हमने जनता के बीच जाकर ऐसे चैलेंजिंग पीरियड में भी सेवा प्रदान की। सर सिक्योरिटी साहब से हम लोग का सवाल है, आप भी कर सकते हैं। सर जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स हैं, और आप लोग ने काफ़ी लखपत दी बहुत स्कीम्स हैं, तो डार्क जो कर्मयोगी के उनके लिए आगे आने वाली क्या स्कीम्स रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश के अमृत काल में देश के अति महत्व के 4 अमृत स्तंभ हैं, जिसमें देश के युवा, देश की महिला, देश के किसान और देश के गरीब कल्याण का काम होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि जो महिला सशक्तिकरण का काम अगर किसी एक विभाग ने किया है तो वो हमारे विभाग ने किया है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं के बीच जाकर उन महिलाओं के बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की बात, या अभी अभी लास्ट बजट में जो महिला बचत प्रचत योजना की, ये सारी स्कीम में, हालांकि वो फाइनेंस विभाग की स्कीम है, लेकिन सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा हमने किया है। वैसे युवाओं के लिए एग्रीकल्चर का PM किसान सम्मान निधि का जो भी पैसा जा रहा है वो हमारे IPVB है, जो 2018 में प्रारंभ किया गया था, आज IPVB के करीब 8.5 करोड़ से अधिक अकाउंट भी है, और उनमें 47% महिलाओं के अकाउंट है, तो महिला सशक्तिकरण का काम भी हुआ है। युवा को मदद करने के लिए हमने जो नवाचार किया, और जो युवाओं के लिए भी जो स्कीम्स है, और गरीब कल्याण का जो काम हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सारे स्कीम, इवन गांव में जो विडो है या ओल्ड एजेड पेंशन है उनको डोरस्टेप पे जाके पेंशन देने का काम हमारा नेटवर्क कर रहा है, तो सामाजिक सेवा का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और आपने जो बोला IT, तो अभी हमने 1,40,000 से ज़्यादा मोबाइल भी दिए, 3 लाख से ज़्यादा उनको हैंड होल्डिंग मशीन भी दिया है, और ये एक तरीके से पूरा चलता फिरता बैंक भी है, और एक चलता फिरता भारत सरकार का एक ऐसा यूनिट है जो भारत सरकार की हर स्कीम को गांव और घर तक पहुंचाते हैं।